नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मास्टर स्ट्रोक में। त्रिकोणमिति टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, बच्चे तो दिमाग ही खराब कर दिए कि सर इतना टफ है त्रिगोनोमेट्रिक टेबल, के टेबल को मैं कैसे याद करूं। तो आइए, मैं एक ऐसा आज कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसको बनाने का एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप पूरा जीवन भर त्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं भूलोगे। ये बिल्कुल अलग है, कहीं टैली नहीं करेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, पहले इसको थोड़ा समझ लेना है। यहाँ पे एंगल को दर्शा रहा है, इस तरफ एंगल है, ठीक है ना, थीटा, और नीचे मैंने रेडियन लिखा है। आई मीन कभी कभी बच्चों को पाई बाय सिक्स, पाई बाय फोर, इसका वैल्यू पूछा जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जबकि वह 45 डिग्री ही होता है। तो रेडियन में भी इसको मैं कन्वर्ट करके बताया हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लेना है। तो थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर जो वन रेडियन होता है, वन रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसको पाई में ये करते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको रेडियन में बदलेंगे, अगर मुझे 30 डिग्री में बदलना है तो इसको मैं 30 से कन्वर्ट कर दूंगा तो 6 आ जाता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 6, समझ गया। इस तरह से आप 45 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन को यहाँ पर पाई से लिखते हैं, पाई पाई को रेडियन बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसा कॉन्सेप्ट, जिससे आप सबसे पहले और कभी नहीं भूलोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखिए, अब जो ये ट्रिक शुरू हो रहा है, इसको देखना, ये आप सब टीचर्स ने बताया होगा, बहुत जगह बहुत ये फेमस है, तो मैं उसको ही लागू कर रहा हूँ, फिर बिल्कुल अलग वर्क करेगा जो आप देखेंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पर जो ट्रिक है, हम 0 डिग्री से लिखना चालू करते हैं, ये हमारा साइन के लिए काम करता है, साइन के लिए ट्रिक है, 0, 1, 2, 3, 4 याद रखना है, 0 से लेकर 4 तक लगातार लिखेंगे ऑटोमेटिक। 5 डिग्री 0 से 90 तक में 5 डिग्री होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, कितना से कर देना है, 4 से डिवाइड करना है। अब सब का खुद से स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक है ना, वर्गमूल निकाल देना है। अब इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो साइन डिग्री का वैल्यू हो जाता है, साइन का सभी डिग्री पे 0, 30, 45, 60 और 90 पे ये बन जाता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे, 0 से इसमें 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 0, तो मैंने लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ 1/4 है, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का 4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसमें पहले कैंसिल करेंगे, एक चीज याद रखेंगे, नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो परेशानी हो सकती है, ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 फिर 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 निकल कर आ जाता है, और रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये रूट ही में आ जाता है, इसीलिए हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखना, रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये रूट में ही रहेगा, जबकि 4 का स्क्वायर रूट निकल के कितना जाता है, 2, और ये लास्ट वाले 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। तो आपने देखे इस तरह से एकदम आराम से साइन 0 से 90 डिग्री तक का मान जो है वो आराम से निकल गया। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, सब में कितना से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। देखिए सभी नंबर में मैंने 4 से डिवाइड किया, फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें फिल कर देंगे, किस तरह से निकलता है वो पहले ही बता दिया। अब देखिए दोस्तों, यह जो है साइन का उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉस, और कैसे होता है साइन का उल्टा कॉस, तो आप देखिए जिधर से एंडिंग है ना उधर से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1, फिर यहां पर आ जाएगा √3/2, यहां पर आ जाएगा 1/√2, यहां पर आ जाएगा 1/2, और यहां पर आ जाएगा 0। तो देखिए साइन का मैंने इस तरीके से ट्रिक की सहायता से निकाले, और कॉस ऑटोमेटिक उसका उल्टा हो गया। अब याद रखना है 10, क्या याद रखना है दोस्तों, 10 याद रखना है। अब देखिए 10 बनाने का मेरा अलग फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा कि साइन बाई कॉस, यानी कि 10 इज इक्वल टू
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम साइन और कॉस में डिवाइड कर देते हैं तो 10 निकल जाता है। इसकी सहायता से आप 10 के सभी डिग्री पर फॉर्मूले को आप वैल्यू फिल कर सकते हो। बट मेरा थोड़ा अलग है, मैंने बोला था कि ये मेरा किसी से टैली नहीं करा, ये गजब का कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे काम करता है, तो याद रखना NOTE नोट, 10 थीटा के लिए, 10 थीटा के लिए हमको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अंश बाय अंश लेना है। अंश बाय अंश लेंगे ऑटोमेटिक 10 निकल जाएगा, भाग करने की कोई जरूरत नहीं। आइयो कैसे वर्क करता है, आपको पता है किसी भी नंबर के वन में क्या लिख सकते हैं, बाय में वन, किसी भी नंबर के बाय में क्या लिख सकते हैं, वन, वन जीरो बाय वन इजकल टू जीरो, वन बाय वन इजकल टू वन हो जाता है। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जीरो बाय वन का वैल्यू जीरो ही होता है, ऐसा नहीं कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो बोल देंगे जीरो बाय वन, नहीं नहीं ये बैड हो जाएगा, इसको बोलना है कि वन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो वन बाय वन नहीं बोलना है, वन बाय वन इजकल टू वन, यहाँ पे वन बोलना है। अब जो मेरा ट्रिक काम करेगा, इसीलिए मैं आपको इसको अंश और हर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूं, बदल दिया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का अंश बटा अंश करेंगे। तो आइए इसका अंश कितना है जीरो और इसका अंश कितना है एक, तो जीरो बटा एक करेंगे तो आपको पता है ना क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे वन है और यहाँ पे रूट थ्री है, तो ये हो जाएगा वन बाय रूट थ्री। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, वन में वन से डिवाइड करेंगे तो वन, यहाँ रूट थ्री है, रूट थ्री बटा वन करेंगे इसका तो रूट थ्री हो जाएगा, और वन बाय जीरो। अब इसको ध्यान देना है कि जीरो से किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो कोई कैलकुलेटर उसको डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लिखता है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, आई मीन अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, आई मीन अपरिभाषित, ठीक है ना दोस्तों। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीका से इसको याद रखेंगे, ये बन गया। देखिए कितना आसान, कोई भाग नहीं करना पड़ेगा, अंश बटांश, अंश बटांश, अंश बटांश सबसे पहले। अब हम बताए थे कि 10 का उल्टा इसमें कॉट होता है, तो अब इस तरीके से फिर एंडिंग वाला स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है ना, अपरिभाषित, और यहां पे आ जाएगा रूट थ्री, यहां पे आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा वन बाय रूट थ्री, फिर आ जाएगा जीरो। ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों, इधर जो रहता है वो इधर आ जाता है, इधर से उधर, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके भरना होता है। अब एक फॉर्मूला और जानेंगे, साइन के, साइन के ट्रिक से साइन निकाल कर उसका अपोजिट के कॉस निकल गया, और 10 का ये ट्रिक के सहायता से 10 निकाल उसको उल्टा कर दो कॉट। अब लेंगे से, आप देखते रहेंगे मेरा जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल अलग होगा आपके बुक में, या बहुत सारे टीचर्स बताएंगे साइन कॉस 10, 10 के बाद यहाँ पर कॉसेक से, मतलब इस तरीके के नहीं होता है, ये मेरा खुद का है इसलिए इस तरीके से वर्क करता है। अब सेक का याद रखना है, इसमें भी याद रखेंगे, नोट नंबर ये वन था, नोट नंबर टू, मात्र टू याद रखना है कि सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए दोस्तों साइन को छोड़ देंगे, साइन को छोड़ देंगे, कॉस और टेन का अब हर लेना है, ठीक है ना, के लिए कॉस थीटा और, कॉस थीटा और टेन थीटा का हर बटा हर लेंगे, हर बटा हर, उसमें अंश बटा अंश लिए थे, एकदम एक बार स्थिर से देखेंगे समझ में, इसको हर बटा हर लेना है। अब देखिए लेकिन किसका किसका लेना है, कॉस और टेन, तो कॉस और टेन इसके बाय में वन लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कन्वर्ट करने में, ठीक है। चलिए तो अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका वन है हर और इसका भी वन है, तो वन बटा वन में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। इसका कितना है टू और इसका थ्री है, तो इसका हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, बटा कर देना टू हर बटा हर, तो टू बटा रूट थ्री, यहाँ पर हो जाएगा रूट टू बाई वन इजकल टू रूट टू, यहाँ पर होगा रूट टू बाई वन इजकल टू टू, और यहाँ पर अपरिभाषित ही रह जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर अगर लेंगे तो वन बटा ये नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित, थोड़ा ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर क्या है टू, यहाँ पर क्या है रूट टू,
और यहाँ पर क्या है 2/√3 और यहाँ पर क्या है 1। मैंने बोला था ना किसी से पहले नहीं करेगा, सबसे पहले आप बनाकर रख दोगे, कहीं गड़बड़ होने वाला नहीं है। इसको ध्यान से एक बार देख लेना और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ याद रखेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरा चैनल है मास्टर स्ट्रोक बाय उमेश सर। नमस्कार।